रोड और पब्लिक प्लेसेस पे चल रहा है, लेकिन अगर सोसाइटी चाहे तो सोसाइटी के प्रीमाइस में अगर कहाँ अगर गिर गया होगा तो उनके लिए भी पूरा सैपलिंग्स पूरा जो भी सहयोग रहेगा वो बीएमसी से मिल रहा है और मिलेगा। तो जिन जो भी इंटरेस्टेड है उन्होंने अगर हमारे मैंने जो अपील किया है अपील मैंने काफ़ी जगह पे फॉरवर्ड भी किया है उसमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो सोसाइटी के प्रीमाइसेस में भी या प्राइवेट प्लेसेस पे भी लगाना है। अपने को पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, लेकिन क्या है कि अभी रोड के बाजू में यहाँ आजू बाजू में थोड़ा जगह कम है, इसलिए हमने ये कंसेप्ट चूज़ किया कि जहाँ पे गिरे हैं वहाँ पे लगाइए। और सेलिब्रिटी और एमिनेंट पर्सनैलिटी को बुलाने का ये उद्देश्य यही है कि सभी को थोड़ा अवेयरनेस बढ़ जाए, लेकिन जहाँ पे पेड़ खड्डा गिरा हुआ है वहाँ के बाजू वाले सोसाइटी और कोई भी कॉमन मैन भी सामने आए तभी भी हमारा यही सहयोग रहेगा। उससे क्या होता है द मेंटेनेंस इज ईजियर, फर्स्ट 3 महीना जो बारिश अभी हम लोग हैं उसको 3 महीना पानी मिल गया, बाय द एंड ऑफ द ईयर योर ट्री इज अ सेटल्ड ट्री। देर इज अ 85-90% सक्सेस रेट विद द प्लांट्स दैट सर एंड द टीम हैव चोजन राइट नाउ, सो इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव दैट दे आर टेकिंग फॉरवर्ड। वैसे भी अवेयरनेस तो हमारी जनरेशन की बहुत है ही ऑलरेडी, यू नो नेचर कंजर्वेशन में और पेड़ों की पौधों का जो महत्व है इन्वायरमेंट में आजकल बच्चे बच्चों को सिखाया जाता है, इनको भी स्कूल में सिखाया जाता है। सो बेसिकली मैं यही कहना चाहता हूँ बीएमसी हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब यू नो, एंड ये जहाँ तक आज के इवेंट का सवाल है, ये जो पर्टिकुलर पेड़ है ये हम जब यहाँ नेबरहुड में साइकिलिंग करते हैं, मेरा ही नेबरहुड है, तो तूफ़ान में ये पेड़ गिरा था, मैं आया था देखने, हमको काफ़ी अफसोस भी हुआ था कि इतना अच्छा बड़ा पेड़ पुराना यू नो पेड़ गिर गया तूफ़ान में, तो काफ़ी दुख भी हुआ था। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल टू विश्वास सर कि उन्होंने यू नो इतनी जल्दी ये ऑर्गेनाइज करके और यहाँ पे जो भी यू नो जो पेड़ का जो हादसा हुआ है, ही हैज़ टेकन द इनिशिएटिव टू मेक श्योर कि वहाँ पे फिर से देयर इज़ अ फ्रेश ट्री प्लांटेड देयर। सो हमारे लिए तो फॉर अस इट्स अ मैटर ऑफ पर्सनल हैप्पीनेस दैट ट्री इज़ बीइंग रिप्लेस्ड। अनुषा जी आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये इनिशिएटिव है एंड पिछली बार भी हमने देखा था बहुत ही सपोर्ट किया मीडिया ने भी और लोग भी विश्वास सर भी आए, आज के इस मौके पर क्या कहेंगे इस इनिशिएटिव को लेकर आप क्या कहेंगे थोड़ा सा? बेसिकली हमारा जो बॉम्बे है उसमें पानी का लेवल ऊपर है तो पेड़ ज़्यादा नीचे नहीं जाते, तो रूट्स डीपर नहीं होते, तो रूट्स डीपर नहीं होने के कारण जब भी साइक्लोन जैसी चीज़ें आ जाती हैं तो पेड़ गिर जाती हैं। दिस टाइम व्हाट वी हैव डन इज बेसिकली इट इज़ विश्वास सर्स इनिशिएटिव एंड व्हाट ही हैज़ डन इज ही हैज़ गॉट नेटिव प्लांट्स जो यहाँ के लोकल प्लांट्स हैं और जो मतलब इंडिजिनस प्लांट्स हैं यहाँ के एनिमल्स और यहाँ के जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से दे विल ग्रो वेल एंड आई थिंक दे हैव यूज्ड अ फ्लावरिंग प्लांट दिस टाइम विच ग्रोज फास्टर ऑल्सो। सो मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि झाड़ तो गिर जाते हैं लेकिन उनको इतनी जल्दी रिप्लेनिश करना एंड पीपल इन पावर टू गेट समबडी लाइक अ किड टू एक्चुअली स्टैंड अप फॉर द प्लांट एंड टू गेट अनदर यंग मैन टीनेजर हुज हिज फादर टू ऑल्सो सपोर्ट इट इज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। जब पीपल जो रोल मॉडल्स होते हैं वो लोग सपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जनता भी आती है एंड वी गॉट अ लॉट ऑफ सिटीजन सपोर्ट। एक्चुअली हमारी जिम्मेदारी तो है लेकिन मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी हमारे वार्ड ऑफिसर मोटे जी का कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है वो सभी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एनजीओ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो रेसिडेंट्स है तो मैं मेरे वार्ड में हमारे इधर के जो रेसिडेंट्स हैं नायर जी है उन्होंने भी बहुत आगे आके सभी लोगों को बोला है क्योंकि उनको वहाँ यहाँ रहते हैं उनको अटैचमेंट हो गई वो पेड़ों से तो इसलिए वो लोग भी आगे आके आ रहे हैं। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूँगी ऐसी सारी बहुत सारी एनजीओ मतलब वो मैडम जी है वो तो है ही लेकिन उनके जैसे बहुत सारे एनजीओ आगे आए क्योंकि बहुत सारे पेड़ बहुत सारे जगह पे गिरे हैं तो उन्होंने आगे आके वो करना चाहिए, रीप्लांट करना चाहिए या नए प्लांट लगाना चाहिए। हम एज अ कॉरपोरेटर तो हम तो कर रहे हैं वार्ड ऑफिस वो भी कर रहे हैं लेकिन सभी लोगों ने करना चाहिए। अभी जैसे कि हम सबको ही पता है कि हम लोग पहले तो कोरोना से उसके बाद साइक्लोन से पीड़ित हैं और जूझ रहे हैं तो इसके बीच में ये जो ट्रीज़ वगैरह जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो एक अच्छी मुहिम है और आई होप के हम बहुत जल्दी विजय प्राप्त करें इन सब चीज़ों पर। और आज जो अनुषा जी और सर ने जो मुहिम चलाई है कि हम लोग ट्री को अडॉप्ट कर रहे हैं
तो मुझे लगता है कि ग्रीन मुंबई के लिए बहुत बढ़िया संकल्प है और मैं इसके साथ जुड़ी है, मेरी खुशकिस्मती। सर आप क्या कहें? विश्वास सर आपसे पूछना चाहूँगा, एक अमूमन क्या होता है जैसे हिमा जी ने उस दिन कहा कि सिर्फ देखना नहीं है, उसको अपनी फैमिली की तरह मानना है कि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ज़मीन है, हमारा प्रॉपर्टी है, वो इनिशिएटिव सब उतने दिल से दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अभी भी, मैं इतफाक से कल परसों मेरा गुजरना हुआ लेकिन वो पेड़ सलामत है, लोग पानी नहीं दे रहे हैं उसे। तो ये अब कहाँ तक ले जाने की तैयारी है और कितना हो चुका है और कितना बाकी है? जैसे कि आप सबको पता है कि अपने ड्यू टू साइक्लोन तौकते अराउंड 2000 से ज़्यादा पेड़ बॉम्बे में गिरे हैं और यहीं मेरे वार्ड में ही 350 पेड़ गिरे हैं। ये 350 आंकड़ा है, मतलब पूरे पेड़ गिर गए। वैसे तो बाकी ब्रांचेस और बाकी फॉलन इन दैट वे बहुत ही काफ़ी डिवास्टेशन हो गया था। इसीलिए जब हमने देखा साइक्लोन के दूसरे दिन लगातार 4 दिन, अभी भी आप देखेंगे कहीं कहीं पे साइड में ब्रांचेस रखे हुए हैं, तो पूरी हमारी टीम लगातार उसको रोड क्लियर करने में, ट्रैफिक क्लियर करने में लगी हुई है। सर एक्चुअली टू इनिशिएटिव्स वी हैव इन माइंड, एक है सीड बॉम्बिंग, सो वी विल डू इट विद स्कूल्स आल्सो वेयर यू मेक लिटिल बॉम्ब्स ऑफ सीड, तो जहाँ फेंकोगे आप तो वहाँ पे पेड़ उगता है। इसकी 60% मॉर्टेलिटी रेट है, तो आप अगर उसमें 10 सीड भी लगा के आपने लगाया तो इट हैज़ इनफ न्यूट्रिएंट्स कि वो जहाँ डाले वहाँ पे वो उग सके। सेकेंड है, वी हैव स्पोकन टू अ कंपनी इन द US, पहले चेन्नई में करेंगे, उसके बाद वेयर वी कैन लाइक मे बी एन आर ए और मे बी अ लैंड वेयर वी आर ओपन स्पेसिस, वहाँ पे हम लोग सीड बॉम्बिंग एयर से कर सकते हैं, ड्रोन से। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट, बट राइट नाउ वी आर लुकिंग एट ईच ट्री दैट वी कैन प्लांट टू मेक अ डिफरेंस।